दोस्तों, हार्दिक पंड्या अपनी हालिया अच्छे ऑलराउंड प्रदर्शन की वजह से इन दिनों बहुत चर्चे में हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या वह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने पर विचार कर रहे हैं, तब भारत के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने कहा कि वह अपने भविष्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हार्दिक ने कहा कि अगर वह टीम में 100% योगदान नहीं दे सकते हैं और टीम में किसी और की जगह नहीं लेना चाहते हैं और वह नहीं खेलेंगे। स्टार ऑलराउंडर ने सितंबर 2018 से रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला है क्योंकि पीठ की चोट के कारण उन्हें परेशानी हुई थी। हार्दिक ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की और अपने पहले सीजन में गुजरात टाइटंस को खिताब दिलाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20I श्रृंखला में अपनी प्रतिभा दिखाई और इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20I में मैन ऑफ द मैच भी बने। उन्होंने अर्धशतक बनाया और अपनी शानदार बॉलिंग से 4 विकेट भी चटकाए। साउथहैम्पटन में भारत की जीत के बाद हार्दिक ने प्रेस से कहा, मैं भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना चाहता हूँ। यह सफ़ेद गेंद का मौसम है क्योंकि बड़े विश्व कप आ रहे हैं और ध्यान सफ़ेद गेंद पर है। मैं मेन इन ब्लू के लिए जितना अधिक सफ़ेद गेंद वाला क्रिकेट खेलता हूँ यह मेरे लिए अच्छा है। जब टेस्ट खेलने का मौका आएगा तो मैं जरूर खेलूंगा, लेकिन समय ही बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर मैं 100% क्रिकेटर के रूप में खेल सकता हूँ तो मैं खेलूंगा, अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं करूंगा, मैं किसी और की जगह नहीं लूंगा, हार्दिक ने कहा। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों हार्दिक पंड्या के इस बयान पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव क्रिकेट वीडियोज़ ला सके। धन्यवाद।